हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल TWS में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नोटिफिकेशन आया है अधीनस्थ चयन सेवा आयोग UP SSC से सहायक बोइंग टेक्नीशियन का, जिसका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है नोटिस। तो मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे इसमें, जब आप जाएंगे आयोग में तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो उसके लिए मैं विधिवत काम किया हूँ इस पर, देखिए अच्छे से बोर्ड पर लिखा हूँ। तो मैं इसको आपको सीरियल वाइज बताऊंगा, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक हैं, उसके बारे में बताने के बाद जो आपका प्रपत्र भरना है, बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूजन है कि कैसे भरा जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए जिससे कि आयोग में हमको परेशानी हो, तो आप लोग को मैं प्रपत्र भरना भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए चार प्रपत्र हैं, उसको मैं अच्छे से पॉइंट वाइज यहाँ पर मैं मेंशन किया हूँ, तो उसके बारे में अच्छे से मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना। देखिए सहायक बोइंग टेक्नीशियन जो है, यह एग्ज़ाम मतलब इसका जो विज्ञापन आया था 2019 में आया था, विज्ञापन संख्या 6 है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप देखते हैं तो इसमें जो आवश्यक हैं उसके लिए, जो अनिवार्य आवश्यक है, मतलब जो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, एक हाई स्कूल कक्षा 10 उत्तर प्रदेश से, यदि आप मतलब कहीं से भी पास हैं, आपके पास कक्षा 10 का अंक पत्र प्लस प्रमाण पत्र, मतलब अंक पत्र और प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो लोग पुराने हैं, जो जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जो कि 2012 के पहले से हैं, 2012 के पहले के हैं, तो उनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग आता था, लेकिन 2012 से जितने भी स्टूडेंट हैं उनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही में आता है, ठीक है। प्रमाण पत्र का मतलब यह होता है कि उसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहाँ से आप हाई स्कूल किए हैं, सब मेंशन रहता है, ठीक है। तो जो लोग पहले वाले हैं स्टूडेंट, जो पुराने स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत पहले जो हाई स्कूल किए हैं, तो वे क्या करिएगा, अपना अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों ले लीजिएगा, और जो नए हैं तो उनका तो दोनों एक ही में रहता है, उसका जो मार्कशीट और प्रमाण पत्र वो ले लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या हुआ दोस्तों, आप हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र ले लीजिएगा अपने पास। दूसरा क्या है, जो अनिवार्य है आपको ITI, जो ITI भी ये वैकेंसी आई थी 2019 में, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास ITI का अंक पत्र होना चाहिए और प्रमाण पत्र, ठीक है। इसमें अलग अलग आता है, अंक पत्र अलग होता है और प्रमाण पत्र अलग होता है, तो आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। अगर जो नहीं लिए होंगे तो आप अपने संबंधित ITI में जाकर वहाँ से प्रिंसिपल से ले लीजिएगा, या जो भी डिपार्टमेंट वहाँ होगा, ठीक। और इसमें देखिए ITI में बहुत से लोग कन्फ्यूजन है कि कौन कौन सा ट्रेड लगेगा, तो मैं यहाँ ट्रेड भी मेंशन कर दिया हूँ। पहले तो कन्फ्यूजन था, लेकिन अब तो एकदम साफ है बिल्कुल कि ये चार जो ट्रेड मैं लिखा हूँ, इसी ट्रेड के लोग ही वहाँ पर योग्य माने जाएंगे, ठीक है। और इस इनके अलावा कोई अदर ट्रेड है तो उसमें योग्य नहीं माने जाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो भी अदर ट्रेड वाले हैं, तो आप लोग अपना पैसा और समय बर्बाद ना करें वहाँ पर जाकर, ठीक है, क्योंकि आपको निस्संदेह ही वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये हो गया, दो चीज़ें हो गया, ठीक है, ये अनिवार्य है। उसके बाद आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र जैसे आप आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है, या तो वोटर आईडी होगा तो वोटर आईडी, मैक्सिमम अगर आधार कार्ड लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ठीक, तो आधार कार्ड ले लीजिएगा जरूर, क्योंकि बायोमेट्रिक होगा तो आधार कार्ड का मैचिंग कराएंगे, तो आप लोग आधार कार्ड जरूर ले लीजिएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फोटोग्राफ के बारे में। उसमें फोटोग्राफ 3x4 सेंटीमीटर का बनवाइएगा, आप नया फोटो कम से कम ले लीजिएगा, 8 फोटो ले लीजिएगा नया, कम से कम अगर 10 बनवा लें और 16 बनवा लें आपके पास ही बचा रहेगा, लेकिन मिनिमम 8 फोटो रखेंगे तो आपको आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए कुछ बातें कहीं कहीं ये मिलती हैं कि जब फार्म आप भर रहे थे तो उस समय का भी फोटो अगर आपके पास होगा तो आप बनवा लीजिए, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है मांग लिया जाए तो आप आयोग से भी भटकेंगे, निकलेंगे लखनऊ में, फिर कहीं ना कहीं जाके बनवाएंगे, तो ऐसा नौबत ना आए, तो आप लोग के पास यदि पुराना फोटो है तो उसका भी जाके आप फोटो वाले के पास जाइएगा, 8 फोटो बनवा लीजिएगा, ठीक है, 20 रुपये लगेंगे, 25 रुपये। तो अगर मांग ही लिया तो आप लोग परेशान होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरी तो नहीं है आई थिंक, लेकिन आप बनवा लीजिए यदि होगा तो, ठीक है दोस्तों। देखिए ये तो आपका हुआ अनिवार्य, ठीक। देखिए अब आरक्षण संबंधी, जिसको आरक्षण चाहिए, उत्तर प्रदेश में सरकार का जो भी नियम है, OBC ST SC और निवास होना चाहिए, अगर उत्तर प्रदेश निवासी है तो उसका निवास जरूर होना चाहिए आपके पास। तो आरक्षण संबंधी अगर आप लाभ चाहते हैं तो आपके पास आरक्षण प्रमाण पत्र जो भी हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, ठीक है, जैसे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका आपके पास क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए, अच्छे से जो बनता है कंप्यूटराइज, आप उसको बनवा लीजिएगा, अभी भी टाइम है, 16 का नोटिफिकेशन आया है, तो
तो आप 30 से हैं, तो अगर आप अभी भी जो लोग नहीं नया बनाया बनवाए होंगे वो बनवा लीजिएगा, वैसे पुराने से भी काम चल जाएगा, लेकिन मेरा यह सलाह रहेगा आपके लिए कि आप लोग नया बनवा लेंगे तो अच्छा हो रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, ठीक है ओके। अब ये हो गया, देखिए डॉक्यूमेंट जितने चाहिए था उसको हमने बता दिया है। ठीक, अब देखिए मैं जो प्रपत्र आया है और इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जो चाहिए उसके लिए भी मैं सब बताया हूँ, तो इसके बारे में अब मैं डिटेल चर्चा करूँगा। देखिए कोई स्लाइड हमारे पास नहीं है, मैं फ़ोन से प्रपत्रों को पढ़ूँगा और आप लोग अगर ध्यान से सुनते हैं, प्रपत्र अपने पास रख कर खोल कर अगर ध्यान से सुनते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी डीबी से संबंधित, मतलब ये जो अपना डीबी है सहायक बोर्ड इंटीग्रेशन का, अगर आप देखते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ इसके बारे में। देखिए आप जब साइट पे जाएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, तो आपको अभिलेख परीक्षण पत्र मतलब एक प्रकार से एडमिट कार्ड जो है आपको डाउनलोड होगा। पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा, उस पर क्या रहेगा, आपका नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा, जो विज्ञापन संख्या है ये लिखा रहेगा, किसके लिए है, बोरिंग टेक्निशियन के लिए है, तो ये पूरा सब कुछ डिटेल में लिखा रहेगा, और उसमें यह भी मेंशन है कि क्या क्या आपको चाहिए। ठीक है, तो आप लोग उसको निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट, और मैं कहूँगा ये कि प्रिंट आउट कम से कम 3 निकलवाइएगा। ठीक है, जो जितने भी प्रपत्र हैं इनका 3-3 सेट बना के ले जाइएगा, 2 फिल करके जाइएगा, 1 सादा रख लीजिएगा एक्स्ट्रा, हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो आपके पास सादा रहेगा, जो मतलब एक्स्ट्रा रहेगा उसको आप भर सकते हैं, नहीं तो आप फिर आयोग से बाहर निकलेंगे, मतलब तो फिर आपको घूमना पड़ेगा, इधर उधर भटकना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा यही सलाह है कम से कम 3 प्रपत्र पूरा सेट 3 सेट ले जाइएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं बात करता हूँ। पहला देखिए आपका एडमिट कार्ड उसमें होगा, आप जो रजिस्ट्रेशन नाम नंबर डालेंगे तो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो प्रपत्र 4 है उसके बारे में, मतलब चारों प्रपत्र के बारे में डिटेल से आप बात करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका पहला जो प्रपत्र है ये क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है। क्या है पहला प्रपत्र, क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा, आप जब देखिए खोलिए, आप लोग के पास हार्ड कॉपी या पीडीएफ जो भी है तो आप लोग अच्छे से खोलिए उसको, मैं इसमें से आपको बोल रहा हूँ उसको आप मिलाइए कि कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अच्छे से सुनते हैं तो आपको उसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग, जब प्रपत्र 1 खोलेंगे आप लोग, प्रपत्र 1 जब आप उसको खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले 06 एग्ज़ाम 2019 लिखा है। ठीक है, विज्ञापन संख्या जो है, ठीक, और उसके बाद आपका जन्मतिथि लिखा होगा, उसके बाद आपका जो भी है रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन है, ठीक, रोल नंबर भी है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, देखो इसमें लगभग कितने पॉइंट है मैं पहले बता देता हूँ, 16 पॉइंट है, तो मैं पॉइंट वाइज बात करूँगा, आप उसको मिलाते रहिएगा। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है, ऐसी सुविधा अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं स्लाइड पे नहीं दिखा सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ उससे आप लोग बहुत अच्छे से अगर सुनते हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ। देखिए पहला उसमें पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रपत्र फर्स्ट का बात कर रहा हूँ, ये फर्स्ट प्रपत्र है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहा है, मतलब आप पद या सेवा का नाम क्या भरेंगे, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, हिंदी इंग्लिश दोनों भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो आप हिंदी भी भर सकते हैं, इंग्लिश भी भर सकते हैं, कोई या दोनों ब्रैकेट लगा के भी भर सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, पद या सेवा का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन दे रहा है। दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है अभ्यर्थी का नाम, इसमें देखो इंग्लिश में तो आपका पहला से उसमें प्रिंट रहेगा आपका नाम अच्छे से, और उसमें देवनागरी लिपि हिंदी में अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, जैसे आपका नाम आदर्श कुमार है तो आप इंग्लिश में तो रहेगा लेकिन उसमें अपना हिंदी में आदर्श कुमार लिख दीजिएगा। ओके दोस्तों, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट पहले प्रपत्र का, तीसरा पॉइंट पहला प्रपत्र है, अब इसमें तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा क्या है, अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, क्या है मतलब आप जहाँ रहते हैं उसका पूरा पता लिखना है आपको, ग्राम पोस्ट उसके बाद जिला पिन कोड अपना स्टेट लिख लीजिएगा जिस स्टेट से होंगे। ठीक है, सब कुछ अच्छे से मेंशन करिएगा। ठीक, चौथा क्या है, चौथा में क्या है, ग्राम नगर जिला तथा राज्य का नाम जहां अभ्यर्थी स्थायी निवासी है, तो वही बता दिए, चौथा में भी अपना गांव जिला पोस्ट ऑफिस जो भी है भर लीजिएगा, वो तो आप लोग भर लेंगे आराम से। ठीक, जन्मतिथि सन में तिथि माह में अंकों में तो पहले से रहेगा, उसमें प्रिंटेड रहेगा, शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है, शब्दों में जैसे किसी का है
15 अगस्त 1997 है तो आप 15 अगस्त 1997 लिख सकते हैं, और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं 15 अगस्त 1997 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो मैं कहूँगा हिंदी में ही लिखिएगा आप लोग। ओके, ये हो गया पांचवा नंबर, हो गया प्रपत्र वन का पांचवा पॉइंट हो गया। अब छठवां पॉइंट पे, ठीक है, छठवां पॉइंट क्या है, अभ्यर्थी के पिता या पति, जैसे जो गर्ल्स होंगी अगर उनका शादी हो गया है तो अपने वो पति का नाम मेंशन करेंगी, और जिनका शादी नहीं हुआ है या जो लड़के हैं वो अपने पापा का नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या है, अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म स्थान, उनका जन्म कहाँ हुआ, जैसे आप जिस जिले से हैं, जैसे कि मान लो आप बदायूं से हैं या वाराणसी से हैं तो आप उनका जन्म स्थान वाराणसी को डालिएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया छठवां नंबर। अब सातवां में क्या है, क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति का जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, यदि नहीं तो पूरा विवरण दें, मतलब पहले से ही अगर वो आप भारतीय हैं तो उसमें कुछ नहीं लिखना है, यदि आप बाद में आए हैं तो उसमें आपको मेंशन करना होगा कि मैं इतने सन में प्रवास करके इंडिया में आया हूँ। ठीक है, तो ये लगभग लोग यहाँ के ही होंगे, कुछ लोग हो सकता है आए हों, तो अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, तो देखिए ये सातवां हो चुका है। अब देखिए आठवां, आठवां में क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, आठवां में है क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, आरक्षण चाहते हैं, उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। यहाँ पर देखो बगल में आप देखेंगे तो हाँ या नहीं में देंगे, अगर आरक्षण चाहते हैं तो आप उसका प्रमाण पत्र लगाएंगे, जैसे वर्ग जाति उसमें लिखा है बगल में, वर्ग और जाति, वर्ग जाति में जैसे ओबीसी से तो अन्य पिछड़ा वर्ग भरिएगा, इसलिए उसके नीचे है उपजाति, उपजाति मतलब जैसे कोई यादव है तो उसका उपजाति अहीर होता है, तो ऐसे ही आप जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए होंगे उस पर लिखा रहता है, तो आप अच्छे से देखकर उसको फिल कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आठवां पूरा हो गया। अब देखिए नवा पॉइंट की तरफ चलते हैं, प्रपत्र वन चल रहा है, ध्यान दीजिएगा भूलना मत। नवा में क्या है, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, मतलब जो स्टूडेंट विवाहित हैं उसका भी डिटेल आपको डालना होगा। ठीक है, यदि हाँ तो क्या अभ्यर्थी की एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, मतलब किसी लोग के जिसके पास एक से अधिक पत्नियां हैं, जो लड़के हैं अगर शादी किए हैं उनके पास एक से अधिक पत्नियां हैं तो उसके बारे में विवरण देना होगा, यदि नहीं है तो नहीं लिख के आगे निकल जाइएगा। ओके दोस्तों, वो तो अपने पर्सनल डिटेल है तो आप लोग अपने से भर लेंगे। ओके दोस्तों, देखिए दसवां पॉइंट चलते हैं, इसमें क्या है, सभी शैक्षिक तथा अथवा प्राविधिक परीक्षाओं जिनमें अभ्यर्थी उत्तीर्ण है उन उपाधियों का पूरा विवरण। इसमें देखिए आप लोग को कुछ लोग होंगे हाई स्कूल किए होंगे, इंटरमीडिएट किए होंगे, स्नातक भी किए होंगे, स्नातक मतलब बीए बीएससी जो भी किए होंगे, उसके बाद स्नातकोत्तर भी किए होंगे, तो उसका सब डिटेल भरना है। नीचे है अन्य शैक्षिक प्राविधिक, मतलब अन्य जो आपका आईटीआई है सबसे नीचे वाले में भरिएगा। ओके, जितना आपके पास क्वालिफिकेशन है सब इसमें मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद हाई स्कूल के सामने फिर विषय है बगल में, तो विषय जो जो था आपके तो वो अपना मार्कशीट से देखकर उसमें फिल कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, अपना इसके बाद जो श्रेणी, उसके बाद श्रेणी अथवा ग्रेडिंग सिस्टम जो था फर्स्ट डिवीजन, कहीं कहीं देखोगे तो ग्रेडिंग सिस्टम रहता है, कहीं कहीं श्रेणी सिस्टम रहता है, तो आप जैसा होगा आपके मार्कशीट में आप उसका उसको मेंशन कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं ग्यारहवां नंबर पॉइंट पर, इसमें देखो खेलकूद है, तो इसमें यदि आपके पास है खेलकूद का तो फिल कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब अभ्यर्थी अपनी विगत अथवा वर्तमान नियुक्तियों का पूर्ण विवरण नीचे दें। ठीक है, यदि कोई पहले से कहीं जॉब में लगा है गवर्नमेंट या कहीं है तो उसका विवरण भी आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको नहीं करके छोड़ के आगे चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए तेरहवां आते हैं, तेरहवां क्या है दोस्तों, अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य तथा अधिमानी अर्हताओं से संबंधी विवरण दें। इसमें क्या अनिवार्य जो देखो तेरहवां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, इसमें अनिवार्य आप अपना हाई स्कूल डालिएगा पहला, इसमें तीन पॉइंट है, और दूसरा क्या है आईटीआई, ये दोनों को डाल के अनिवार्य में छोड़ दीजिए। अधिमानी में आपके पास कोई खेलकूद का है तो आप डाल सकते हैं, कोई भी अगर डिग्री है अलग से तो अनिवार्य जरूर फिल करना, उसको छोड़िएगा मन। ठीक, चौदहवां क्या है, क्या अभ्यर्थी ने ट्यूटोरियल सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की है, यदि आप सेना में रहे होंगे तो आप यस करिएगा या नो करिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 15 नंबर, क्या अभ्यर्थी को किसी फौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, यदि हाँ तो पूरा विवरण दें, मतलब आपके पास कोई केस वस हुआ हो तो आप उसका विवरण दें, यदि हाँ तो, नहीं है तो नहीं करके आगे चले जाइएगा। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर में क्या है, आवेदन परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण। देखिए जब आप लोग एग्जाम का जब ये फॉर्म आया होगा तो आप अप्लाई किए होंगे तो उसमें आप जो पेमेंट किए होंगे तो उसका पेमेंट स्लिप यदि होगा आपके पास तो उसका बैंक ट्रांजेक्शन आईडी फिल करिएगा। ठीक है, कितना रुपया लगा था, 185 रुपये लगा था, तो 185 रुपये आप उसमें अंकों और शब्दों में दोनों में फिल करिएगा।
ठीक है दोस्तों। अब बैंक का नाम, किस बैंक से पैसा कटा था उस बैंक का नाम लिख दीजिएगा, और जहाँ से कटा था और जिस जो डेट था, डेट भी मेंशन करना है, जनपद, इसमें जनपद है तो आप जिस जनपद से बिलोंग होंगे तो वहाँ पर वो लिख दीजिएगा, ठीक है, मतलब जहाँ जिस जिले को होंगे आप। ओके दोस्तों, देखो 16 पॉइंट जितने हैं सब खत्म हो गया। उसके नीचे प्रपत्र वन में अभ्यर्थी द्वारा घोषणा है, घोषणा में मैं के बाद जो जिसका जो नाम रहेगा उसको फिल कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद हमारा प्रपत्र वन पूरा समाप्त हो गया यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं प्रपत्र नंबर दो पर। प्रपत्र नंबर दो क्या है? प्रमाणीकरण प्रपत्र, अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। इसमें भी डिटेल हैं, मैं आपको बोल कर बता देता हूँ। प्रपत्र दो देखिए दोस्तों, प्रपत्र दो में क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। इसमें प्रमाणीकरण का मतलब ये होता है आप कोई गलत सूचना नहीं दे रहे हैं, गलत सूचना दोगे तो आयोग अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है। गलत सूचना नहीं देना है, यही है आपका अटेस्टेशन, मतलब आप उसको प्रमाणित करते हैं कि मेरे हिसाब से जो दिया गया प्रमाण है, मतलब जो भी जानकारी दी जा रही है सब विश्वसनीय है, कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक। इसमें लिखा है इस प्रपत्र में कोई गलत सूचना देना या किसी तथ्यपूर्ण सूचना को छिपाना अनर्हता समझी जाएगी। अब कोई भी गलत सूचना दे जाएंगे तो आपको अनर्हर कर दिया जाएगा, ठीक। इसमें देखिए वही है, आपका नाम है, पिताजी का नाम है, माता का पूरा नाम, ठीक है, राष्ट्रीयता है, पिताजी का राष्ट्रीयता क्या है, माताजी का राष्ट्रीयता क्या है, आप भारतीय हैं तो भारतीय लिख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन होंगे, जहाँ के होंगे आप वहाँ पर जरूर लिख लीजिएगा। ओके दोस्तों, पाँचवा क्या है, स्थायी निवास का पूरा पत्र व्यवहार। इसमें पॉइंट नंबर 5 देखा जाए तो इसमें स्थायी निवास का पूरा पता, जो जहाँ के हैं आप पूरा पता लीजिएगा, यदि गाँव से हैं तो गाँव, पोस्ट ऑफिस, जिला, पिन कोड, स्टेट का नाम, सब कुछ लिख दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आप नॉर्मल चीज़ें फिल कर लेंगे। छठवां में भी वही सेम है, वो भी भर लीजिएगा, ठीक। आयु तथा जन्म की तारीख अंक शब्दों में, देखो अंकों में तो दिया ही है शब्द, जो आयु वाली बात है उसमें डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा, आप जब प्रपत्र निकालेंगे तो उसमें दिया रहेगा, और शब्दों में अपने से लिख लीजिएगा, ठीक। आठवां पॉइंट इसमें क्या है, शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान स्कूलों तथा कॉलेजों में व्यतीत किए गए वर्ष दिए जाएँ। मतलब आप देखिए इसमें क्या है, आठवां पॉइंट में आप हाई स्कूल जहाँ से किए होंगे उस स्कूल का नाम लिखिएगा, प्रवेश कब किए थे, मतलब उसमें जब एडमिशन कराए थे उसका नियर अबाउट लिख लीजिए, जैसे कि आप जुलाई में एडमिशन कराएंगे तो जुलाई 2010 में जैसे कराए हैं तो जुलाई 2010 कर लीजिएगा, और उसके बाद क्या है, छोड़ने का दिनांक। अब जब पास किए होंगे तो 2000, जैसे मान लो 12 में पास किए हैं, 11 में पास किए हैं तो अपना छोड़ने का, जैसे जून में पास करते हैं या मई में जो भी पास करते हैं तो वो आपके मार्कशीट में लिखा होगा नीचे, जब मार्कशीट हाई स्कूल का देखेंगे तो उसमें कोने में लिखा रहता है, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, अपना इसमें फिल कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आठवां पॉइंट प्रपत्र दो का खत्म हुआ। अब चलते हैं नौवां। नौवां में क्या है दोस्तों, सुनिए ध्यान से। कार्यालय या फर्म के यदि कोई हो पूर्ण विवरण तथा पते जहां उम्मीदवार ने पहले काम किया हो यहां या जहां वह इस समय काम कर रहे हैं, किसी कार्यालय या किसी आप प्राइवेट जॉब कहीं कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब पहले से कर रहे हैं तो उसके बारे में विवरण देना है, यदि नहीं कर रहे तो नहीं लिख के आगे बढ़ जाइएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद आप लोग इसमें सब हैं, इसी में अभ्यर्थी का घोषणा पत्र है उसमें फिल करके अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करिएगा, अपना नाम, पूरा नाम, पता, पूरा पता लिखना है, और डेट देखिए डेट नीचे है तो आप लोग डेट कब लिखिएगा, जिस दिन का आपका डीवी होगा उसी दिन का डेट लिखिएगा, ठीक है, नहीं कि हम डेट मतलब कभी और है पहले से ही डाउनलोड कर लिए तो उस दिन का पहले का डेट नहीं, जब जिस दिन आपका मतलब डीवी है उसी दिन का आप डेट डालेंगे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रपत्र तो दो हमारा जो सेकंड वाला है समाप्त हुआ। अब चलते हैं प्रपत्र नंबर 3 पर, इसको बोलते हैं देशना पत्र, इंडेक्स कार्ड, क्या कहते हैं, इंडेक्स कार्ड। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इंडेक्स कार्ड क्या है, ये भी एक हमारा प्रपत्र है छोटा सा, इसमें क्या मेंशन करना है देखिए ध्यान से। इसमें पहले है प्रपत्र 3 की बात कर रहा हूँ, 3 का, ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें पहले क्या है, अभ्यर्थी का नाम हिंदी देवनागरी लिपि में, उसमें हिंदी में अपना नाम लिखिएगा, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, अंग्रेजी का जो बड़ा अक्षर है उसमें आपका पहले से ही नाम प्रिंट रहेगा कैपिटल लेटर में, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, पिता या पति का नाम, ठीक है, जो लड़की है वो अपने पति के नाम लिखेंगे जिसका विवाह हो गया है, और ठीक है, और जो लड़के हैं वो अपना पापा का नाम लिखेंगे। ओके दोस्तों,
और यहाँ पर लिखा है जन्मतिथि अंकों में शब्दों में, अंकों में तो प्रिंट रहेगा, शब्दों में अपने से लिख लीजिएगा। ओके दोस्तों, स्थाई पता वही है, स्थाई पता है, पत्र व्यवहार पता है, तो जो अपना पत्र व्यवहार स्थाई पता अगर सेम है तो सेम ही लिखिएगा, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो आप अपना पर्सनल चीज़ें लिख लीजिएगा। सेवा या पद का नाम जिस पद के लिए आवेदन दे रहे हैं, मतलब आप सहायक बोरिंग टेक्नीशियन लिख लीजिएगा, मतलब यह पद क्या है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन 06 एग्जाम 2019 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या है, नीचे है देखिए, क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति, स्वतंत्रता सेनानी इत्यादि, मतलब जो भी हैं इसमें ऑप्शन सबको लिखिएगा। उसमें वर्ग, वर्ग जाति के लिए मतलब फिलिंग मतलब खाली स्थान है, तो उसमें अपना जो भी जाति से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC ST SC जो भी है, तो आप वहाँ भरिएगा। और अपना उपजाति भी, उपजाति इसमें कई चीज़ें बार बार मांगी गई हैं, तो आप लोग पढ़ के अच्छे से देखिए, उपजाति है जो भी है तो भरिएगा, और जाति जो है अपना वो भी भर लीजिएगा, ठीक। नीचे कॉलम है परीक्षाएं जिसमें उत्तीर्ण हैं, आप परीक्षाएं मतलब आप हाई स्कूल हैं तो हाई स्कूल के बारे में लिखिए, उत्तीर्ण हैं तो विषय भी लिख लीजिएगा, विषय जो परीक्षा में लिए हो। हाई स्कूल में लगभग 6 विषय रहते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, अगर 6 विषय हैं तो सभी को उसका नाम लिख देना, ठीक है। उत्तरी परीक्षा का अनुक्रमांक, परीक्षा का अनुक्रमांक लिखना है, मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट में देखेंगे तो अनुक्रमांक रहता है, तो उसको लिख लेना, किस वर्ष में पास हैं उस वर्ष को लिख लेना, श्रेणी कौन सी है, मतलब फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, कैसा है, सब लिख लीजिएगा, ठीक। विगत एवं वर्तमान नियुक्तियों का विवरण, अगर कहीं पहले से नियुक्ति है तो उसके बारे में, देखो कोई बहुत सी चीज़ें इसमें दोहराया गया है, तो आप लोग उसको पढ़ के अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा ये जो प्रपत्र 3 है समाप्त हुआ, इसमें जितना था अभी बता दिया हूँ मैं, अब मैं चलता हूँ लास्ट प्रपत्र नंबर 4 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 वाला भी, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं, इसको जो भरने में लोगों की समस्या आएंगी तो इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। ओके दोस्तों, तो मैं चलता हूँ प्रपत्र नंबर 4 की तरफ। चलिए प्रपत्र नंबर 4 देखिए दोस्तों, प्रपत्र में क्या है, जितनी भी आप मतलब आपके पास शैक्षिक योग्यता है, जैसे हाई स्कूल है तो हाई स्कूल में कितने विषय हैं, 6 विषय हैं, तो उसमें लिखा है, इसमें आप जब डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे प्रिंट आउट, तो उसमें लिखा रहेगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये 3 तो पहले से लिखा रहेगा और सब खाली रहेंगे। आप जो जो विषय लिए होंगे अलग अलग, उसको अपने से पेन से भरिएगा, और उसमें प्राप्तांक कितना है और पूर्णांक कितना है सब लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखने के बाद जब नीचे आएंगे तो उसमें योग, मतलब आप टोटल में से कितना पाए हैं और टोटल नंबर कितना है उसको लिखना है, ठीक है, पेन से। और लास्ट में किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, यदि फर्स्ट डिवीजन है तो प्रथम श्रेणी लिखिएगा, सेकेंड डिवीजन है तो द्वितीय श्रेणी लिखिएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद जब हाई स्कूल का हो जाएगा तो इंटरमीडिएट जिसके पास होगा वो इंटरमीडिएट का भी डिटेल डाल सकता है, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद स्नातक, तो स्नातक के बारे में भी डाल सकते हैं। तो स्नातक में कुछ लोग को ये परेशानी हो सकती है कि उसमें कई सेमेस्टर हो सकते हैं, कई पेपर होंगे, तो सेमेस्टर का भी डिटेल दिक्कत होगा, तो आप लोग ईयर वाइज डालिएगा, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में जितने जितने मार्क्स पाए होंगे उसको मेंशन कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, और कोई लोग PG किए होंगे स्नातकोत्तर, मतलब जो स्नातक होता है उसके बाद की अगर डिग्री लिए हैं तो उसको भी फेल कर सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अन्य परीक्षा यदि कोई हो, अन्य परीक्षा में देखिए आप लोग ITI डालिएगा, जो ITI है उसके बारे में आप मेंशन करिएगा, ठीक है। प्रथम ईयर जिसका ईयर वाइज होगा ITI में, वो ईयर वाइज प्रथम ईयर और सेकेंड ईयर का मार्क्स फिल करेगा, जिसका सेमेस्टर होगा वो सेमेस्टर वाइज अपना मार्क फिल कर दीजिएगा, फिर नीचे टोटल करके कितने में से कितना पाए हो उतना परसेंटेज अपना डिवीजन भी लिख लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो भी जानकारी दिया हूँ प्रपत्रों को फिल करने का, यदि आप लोग बहुत ध्यान से समझते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, लास्ट में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर है तो हस्ताक्षर अपना कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो आज मैं इतना ही कर रहा हूँ, तो देखिए अभी इसमें मैं और एनालिसिस करूँगा, यदि कोई और चीज़ ज़रूरी होगा तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल TWS को सब्सक्राइब करिए, और ये ITI के बच्चों के लिए या कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चे हैं उनके लिए इस पर बहुत सी क्लासेस चलती हैं, आप उनसे कहिए कि अधिक से अधिक इस क्लास से ऐड होइए इस चैनल से हमारे, और जिससे कि उनको लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।